को रोका, पासपोर्ट देखा और बोले इंडियन यहाँ क्या कर रहे हो। मोरिटानिया में अगर यूं पता चल गया ना कि मैं यूट्यूबर हूँ और ऊपर से यूं पता चल गया इंडिया का यूट्यूबर हूँ तो भाई मेरे को बिठा लेंगे और उसी टाइम वापस भेज देंगे। सहारा रेगिस्तान के नो मैंस लैंड के बीचों बीच में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे लगी हुई है लैंड माइंस। एक गलत कदम और बम फटके मेरी जान जा सकती है। दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। सुबह के बजे है 8:30 और एग्जैक्टली 9 बजे मेरी अभी बस है यहाँ से दखला, जो कि एक सिटी है वेस्टर्न सहारा में, आप पिछली वीडियोस में देख ही चुके। यहाँ से मोरिटानिया देश के बॉर्डर से पहले आखिरी टाउन मोरक्को की गुरगारेथ, कुछ ऐसे टाउन का नाम है। जल्दी से बाहर निकलते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं। ये था मेरा होटल, पीछे होटल से जस्ट एक बाहर निकला हूँ। सड़कें बिल्कुल सुनसान है, शायद वही तो नहीं है मेरी बस कहीं। वैसे तो बस स्टॉप दूर है पर CTM कंपनी की बस है मेरी। CTM की बस से ही ना मैं मराकेश से लायून आया था, जो कि लार्जेस्ट सिटी है वेस्टर्न सहारा की, और लायून से दखला तक भी मैं इसी कंपनी की बस के साथ आया था। तो 9 बजे मेरी बस है, मेरे को गुरगारेथ, ये जो आखिरी टाउन है मोरक्को का, उधर 3 बजे पहुंचा देगी और उसके बाद फिर मुझे इमिग्रेशन और वीजा ऑन अराइवल लेके मोरिटानिया एंटर करना है। भाई मैं 1 मिनट के लिए उधर गया, समुद्र पे सामान सेट करने के लिए पीछे से बस ही चलेगी। टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ भाई। अब टैक्सी लेके बस का पीछा करना पड़ेगा क्योंकि मेन टर्मिनल से 9 बजे की है बस और इधर से 8:30 ही निकल गई। पता नहीं इधर क्यों खड़ी थी और इधर का मेरे को दिखाया नहीं, नहीं तो मैं मेरे को पता होता 8:30 इधर से निकली तो टाइम से आगे इधर से बोर्ड कर लेता। ये टैक्सी है, नॉर्मल गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी है। तो मोरिटानिया का ना मैंने वीज़ा लिया नहीं क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है, शायद फोटोग्राफ साथ लेके जानी होती और 55 यूरो कैश, और वो सिर्फ यूरो ही लेते हैं तो यूरो कैश होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई थी एक्सचेंज कराने में क्योंकि यूरो मिल नहीं रहे थे, दिरहम दे के यूरो, पर इधर एक दुकान से मिल गए थे फिर फाइनली बहुत जगह पता करने के बाद। 8:40 हो गया यार और कोई टैक्सी नहीं दिख रही अभी तक। एक तो पता नहीं इन देशों में यार, रात को 2-3 बजे तक सब मिलता है, सुबह 10-11 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं है। फाइनली एक टैक्सी आ तो रही है, रुक जा प्लीज़। 4G बैठा इसमें तो। CTM बस टर्मिनल, CTM बस, CTM, CTM बस टर्मिनल। या तेज बन रहा था टैक्सी वाला, फिर 5 या 6 दिरहम का रेट है, उतरती मेरे को बोला 15 दे। मखा क्यों दे, मैंने 10 दिए थे, बोला और दे। कई देर माथा मारा मैंने, मैं नहीं दे रहा, फिर बोला जा। ये शायद इनका मेन टर्मिनल आ गया, बस इधर आएगी अभी, और ये इसका अंदर का रास्ता है। पहले CTM के काउंटर पे जाके बैग का टैग लेना पड़ेगा, वो ले लेता हूँ, हर बार लेना पड़ता है क्योंकि ले लिया मैंने बैग का टैग, आया 6 दिरहम का, 1 दिरहम में इंडिया के 8 रुपये होते तो देख लो 48 रुपये का। बाकी लोगों की बात करें ना तो मोरक्को और वेस्टर्न सहारा के ही कह लो, मतलब लोग कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगे मेरे को, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिलते हैं देखो, पर ऐसा नहीं था कि इधर के लोग कोई बहुत ही स्टैंड आउट करे हो, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हो, मतलब ठीक है। बीच बीच में बुरे लोग भी मिल जाते हैं, जैसे टैक्सी वाले ज़्यादातर बुरे ही मिले हैं, हर बार ज़्यादा पैसे मांगते हैं। बस भी आ गई, ये बस है और मैंने मेरी सीट बिल्कुल पिछली करा रखी थी, ये वाली 45 लास्ट सीट, फुल भी हो गया सामान, पहले ही रख लेते आ जाएगा। खैर मेरा तो एक ही बैग है। यही है भाई खिड़की वाली मेरी। रात जब कर रहा था टिकट बुक तब तो पूरी बस खाली थी, अभी तो लेकिन भीड़ है। सिर्फ दूसरी टिकट थी मेरी रात जब मैंने बुक करा, अभी लेकिन काफ़ी लोग दिख रहे हैं। और मैंने तो गलत सीट ले ली, ये पीछे बैंड ही नहीं हुई वाली सीट, तो आखिरी है, गलत फंस गया। मैं खुद से ही चल के इस पे बैठ जाता हूँ। यहाँ पे ना मेनली इन 2 कंपनीज की बसें चलती है, एक तो सुपरा टूर्स और एक CTM। तो सुपरा टूर्स की तो वेडनेसडे तक की बुक थी सारी बस, तो इसलिए मैंने CTM वाली ली है। 9 बज चुके लगी पर चली नहीं अभी तक, ये बस चलने ही वाली होगी। हमें 1.5 घंटा हो गया और रोड ना बिल्कुल ऐसी कच्ची मिट्टी के बीचों बीच रेगिस्तान में से जाने लग रहे हैं, मतलब रोड अगर बनी हुई भी है ना तो वो मिट्टी से ढकी हुई है, दिख नहीं रही। रेगिस्तान के बीचों बीच हम, और एक जगह बस रुकवाई गई और एक सिपाही आया, सबकी आईडी ले गया, वो मेरा भी ले गया, नीचे जाके तलाशी ली। गाड़ी में एक और सिपाही बैठा था, अफसर थे 2-3, सारी तलाशी ली कि भी कौन कौन है बस की सवारी,
और उसके कुछ ही देर बाद, जस्ट अभी एक मिनट पहले की बात है, फिर वो वापस आया, बस में चढ़ा, सबको उनकी आईडी वापस लौटाई, बस मेरा हाथ में रख लिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या गड़बड़ा है, मेरे को अलग से लेके जाएंगे क्या, सबकी लौटा दी, मेरी नहीं लौटाई। फिर बाद में दोबारा आया मेरे पास, मेरी वो पकड़ाया और मेरे कंधे पे हाथ मार के बोला गुड और उल्टा दे दिया मेरा पासपोर्ट। तो मैं तो सो रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं चला, बिल्कुल रेगिस्तान है और बीच में बस एक ऐसी काम चला उसी रोड है। देख लो भाई, पता नहीं दुनिया किस कोने में कहाँ सफ़र करने लग रहे हैं। ये सड़क है भाई, लिटरली सारे रास्ते और साइड में जगह जगह बड़े बड़े बाठे पड़े हैं और बीच बीच में थोड़ी बहुत घास भी दिख रही है और गंदगी पड़ी है और मिट्टी। पहुंच गए गुरगेरेथ, लास्ट टाउन ऑफ मोरक्को, बॉर्डर पे आ गया अपन, उतरते हैं। बस कुछ सामान ना भूल गया हूँ यार, पासपोर्ट, फोन, पर्स, पैसे। चलो आ जा भाई, आ जा। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है मोरक्को का चेक पोस्ट। इसके बाद मोरक्को देश ख़त्म हो जाएगा और शायद नो मैंस लैंड शुरू हो जाएगा, फिर वेस्टर्न सारा का रीजन शुरू हो जाएगा। एक बार बाहर निकले बाद, स्टैंप लगे बाद, मैं वापस नहीं घुस सकता क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से दोबारा ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वो वीज़ा आए बाद ही घुस सकता हूँ, क्योंकि जो ई वीज़ा मैंने मोरक्को के लिया था वो सिंगल एंट्री था। बसों का सामान ये पोर्टर जी इसमें लाद के बॉर्डर के परली साइड ले जाते हैं। चलो अब अपन चलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये भाई बॉर्डर, झंडा देख लो मोरक्को का, चलते हैं पार करते हैं। मेरे को रोका, पासपोर्ट देखा और बोले इंडियन यहाँ क्या कर रहे हो, सिर्फ घूमने आए हो? मैं बोला हाँ। खुश हो गए? बोले ड्रोन है? मैं बोला नहीं। बोले ठीक है आगे पहले ऑफिस पे चले जाओ। चलो पहला ऑफिस कौन सा है? अब चलो भाई, स्टैंप लग चुकी है और एक घंटा खराब हुआ बॉर्डर पे। बताता हूँ आपको क्या कहानी हुई, अभी बाहर निकलते एक बार। शाम के बज चुके हैं 4 और बॉर्डर पे मेरे को लग गया पूरा एक घंटा, एक घंटे से भी फालतू ही मान लो। पहले तो आपको मेरा बॉर्डर का एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बॉर्डर पे मैं गया, चेकिंग हुई, पासपोर्ट की लाइन थी इतनी लंबी तो क्या थी, सबने अपने पासपोर्ट रख दी। जैसे जैसे पासपोर्ट रख दिए, सबका नंबर लग गया कि भाई जिसका ऊपर है उसका पहले आता रहेगा। ये बात मेरे को बतानी थी, मैं लाइन में लगा रहा कई देर तक और मेरा नंबर ही ना आए, कोई भी टैक्सी वाला आए अपनी सवारी का पासपोर्ट लगा दे ऊपर। तो भैया ऐसे मैं लाइन में लगा रहा, कई देर खड़ा रहा वहाँ पे, मेरे को पता ही नहीं चले। एक आदमी ने फिर मेरी मदद करी, वो बोला कि भैया ऐसे पासपोर्ट के नीचे अपना पासपोर्ट रख दो। फिर मैंने रखा, उसके भी कई देर बाद मेरा नंबर आया। फिर जब मेरा नंबर आ गया ना, कई टैक्सी वाले पहले ही चेप हो लिए थे कि भी टैक्सी ले लो ना, उदीपू तक हम छोड़ाएंगे। जैसे ही मेरा नंबर आया, मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं पैदल जाऊँगा। तो मेरा नंबर आते ही एक टैक्सी वाला दोबारा आ गया, बोला हाँ 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 मेरी सवारी, इसका कर दो जल्दी। मेरा नंबर वैसे ही आ चुका था। उन्होंने पूछा भाई क्या करते हो, ये वो। तो मैंने बता दिया भाई बिजनेस मैन हूँ, रियल एस्टेट का बिजनेस है मेरा। ये मैंने कुछ नहीं बताया कि भी वीडियो बनाता हूँ ऐसे कुछ, क्योंकि वरना फिर ज़्यादा इंटेरोगेशन होती। उसके बाद कई देर बाद उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची पासपोर्ट की और थोड़ी एक्स्ट्रा मेरी वो करी स्कैनिंग, पासपोर्ट अंदर भेज दिया, फिर बाद में स्टैम्प मार दी। फिर उसके बाद मेरा सामान चेक हुआ। सामान में मैंने कल ही एक प्रोटीन का डब्बा ख़रीदा था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी मोरिटानिया में आगे मेरे को खाना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और प्रोटीन तो वैसे भी नहीं आगे किसी देश में क्या पता मिले ना मिले, नकली मिले। तो जिम वाले से मेरी दोस्ती हुई थी, मैं बोला भाई मेरे को असली तेरे पास प्रोटीन है अच्छी कंपनी का कोई तो दे दे, तो मैंने आते आते वो ले लिया था। तो मेरी उसकी तलाशी ली गई, मेरी 75वीं कंट्री होगी मोरिटानिया, और आज तक सामान की ऐसे कुत्ते के थ्रू तलाशी नहीं हुई कभी भी। तो एक कुत्ता आया, जर्मन शेफर्ड, मेरा सामान सुंघाया कि भी कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेके जा रहा इस पाउडर में। तो कुत्ते ने ऐसे मुंह फेर लिया, फिर उसके बाद बोले ठीक है चले जाओ। तो एक घंटे से ऊपर ही थोड़ा मेरे को लगा बॉर्डर पे। अब शाम के 4:10 के अराउंड हो गए। आप लोग सोच रहे हो भाई मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ और मैं किधर पैदल चल रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, इस पूरी सड़क पे मैं इकलौता आदमी और कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। दरअसल ये जो जगह है इसे बोलते हैं नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड क्यों बोलते हैं बताता हूँ मैं आपको। दरअसल मोरक्को की जो बॉर्डर थी ना, वो ऑफिशियली वहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन मोरिटानिया की ऑफिशियली भी बॉर्डर शुरू नहीं हुई। ये जो इलाका है ना, ये एक है
पोलिसारियो कंट्रोल्ड रीजन। अब पोलिसारियो क्या है, मैंने पिछली वीडियोज़ में अच्छे से समझाया कि वेस्टर्न सारा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका 80% हिस्सा क्लेम करता है मोरक्को, बाकी 20% हिस्सा SADR या फिर पोलिसारियो जो फोर्सेज है उनके कंट्रोल में है। पोलिसारियो फोर्सेज जो यहाँ के सहरावी लोग हैं सहारा डेजर्ट के, उनकी एक फोर्स है, वो सोवरेनिटी चाहते हैं वेस्टर्न सहारा की, वो चाहते हैं कि भाई हमारा अलग से देश हो, मोरक्को के अंडर हम ना हो। तो 20% हिस्सा तो उनके कंट्रोल में है, लेकिन मोस्टली जो वेस्टर्न सहारा है वो मोरक्को सरकार के अंडर ही आता है, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट सिटी लायून और दखला भी। तो मोरक्को का वेस्टर्न सहारा हो गया ख़त्म। अब ये जो इलाका है ना, ये पोलिसारियो कंट्रोल्ड रीजन है, और इसी वजह से क्योंकि काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है ये, तो ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, इधर अबैंडंड गाड़ी है और पता नहीं गंद वगैरह आप देख सकते हो, मतलब सारा रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच में चलने लग रहा हूँ इस जगह में। और इधर आप मानोगे नहीं, इधर लैंड माइन्स दबी हुई, अगर मैं थोड़ा सा भी रोड से भटक के इधर मिट्टी में चला गया ना तो लैंड माइन के ऊपर फट के मेरी जान जा सकती है। तो बहुत रिस्की एरिया है, इधर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि भी आप खुद से जाओ, टैक्सी थी पीछे टैक्सी लेके जाओ। और मैं इकलौता ही आदमी हूँ जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे पैदल सैर करता हुआ, क्यों, क्योंकि सिर्फ मेरे को ये एडवेंचर इन्जॉय करना था। लगभग एक घंटे से थोड़े कम का सफ़र है ये, पौना घंटा या एक घंटा, मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर के अराउंड होगा, और एक घंटा इस तपती धूप में चलना है। रास्ते मेरे को पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उम्मीद तो कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, और थोड़ा सा भी भटके तो लैंड माइन में फटके मर जाएंगे। रास्ते में यार गाड़ियों के टायर फटे हुए पड़े हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई पड़ी है मिट्टी में, अबैंडंड गाड़ियाँ, मतलब ना बहुत ही ओवरवेलमिंग सी जगह है ये, अजीब सी बहुत ज़्यादा, मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी अजीब अजीब चीज़ें। तो अभी लास्ट जो चेक पॉइंट था उन्होंने पासपोर्ट चेक करा कि भी स्टैंप लग गई क्या, उसके बाद उसका दोस्त वहीं पे था, वो इंग्लिश बोलता था, मेरे को अलग से साइड में लेके गया, बोला कैसे जाओगे, मैं बोला पैदल चल के, बोला ये पैदल पार करोगे, मैं बोला हाँ, तो बोला बहुत ख्याल रखना प्लीज़, आपको पता नहीं बात, पता ही नहीं पता, बस आप रोड से मत भटकना। मेरे को तो अलग ही पता था, मैंने पढ़ रखा था इधर लैंड माइन साइड में। वो मेरे को बोला कि बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो रोड है ना आप उस पर ही चलना, थोड़ा भी रोड के इधर उधर मत होना। तो वो खुद से बताना नहीं चाह रहा था कि भाई ऐसा कुछ भी है, पर मेरे को तो पता था ऑलरेडी। दोस्तों जितने चल रहे इतना लंबा सफ़र है, ऐसे अकेले तो क्या पार करूँगा, कोई पेड़ भी नहीं है कहीं पर पानी पीने, रास्ते में रुक जाऊँ या छाए में बैठ जाऊँ, तो बिल्कुल ही रेगिस्तान है, बिल्कुल ही, पानी भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इतनी देर आपको मोरिटानिया के बारे में बता दूँ जिस देश में मैं जाने लग रहा हूँ। तो दरअसल मोरिटानिया एक कंट्री है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका की 11वीं सबसे बड़ी कंट्री है और वर्ल्ड की 28वीं सबसे बड़ी। मोरिटानिया दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्रीज में से भी आता है। जी हाँ, मैंने आपको पैसिफिक में दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्रीज नाउरू और टुवालू तो दिखाई ही, लेकिन इनके बाद अगर जिक्र किया जाए तो कुछ कंट्रीज और आती हैं, उनमें से एक मोरिटानिया। बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ पे आते, गिने चुने कुछ हजार। और दुनिया की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से भी एक है मोरिटानिया। इनका एरिया तो है 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन पॉपुलेशन है सिर्फ 44 लाख, और एक तिहाई पॉपुलेशन यानी कि 1/3 पॉपुलेशन इनकी कैपिटल सिटी नॉकशॉट में रहती है, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ विंड्स नॉकशॉट, और इधर हवा बहुत तेज चलती है, जो इनकी लू है बहुत खतरनाक है। मोरिटानिया को आप मोस्ट सहारन कंट्री भी कह सकते हो, क्योंकि 90% जो कंट्री है ना वो रेगिस्तान से ही घिरी हुई है, और ना के बराबर पानी है, सिर्फ एक परमानेंट रिवर है जो कि है सेनेगल रिवर, इसके साउथ में, जो कि सेनेगल से शेयर करते हैं। फाइनली एक ट्रक गया, गाड़ी रुकी है मेरे लिए, I'm good. Why want to walk? I want to walk. You want to walk? Yeah. Sporty. Yeah. Sporty. Thank you. Yeah. After immigration, then what do you do? Then what do you do? Yeah. How much for taxi? Oh, it's expensive. No. Sorry. Thank you. $1. Oh. $1 is 38 rupees. 70 kilometers. I will walk. Thank you. Goodbye. 5 kilometers. No. Thank you. I'm good. टैक्सी वाले रुके, ये मोरिटानिया नहीं लग रहे थे मेरे को, बॉर्डर से पैदल क्यों चल रही है वो, मैं बोला ना मैं चल लूँगा अपने आप, बोले आ जाओ बैठो, मैं बोला ना मैं अपने आप चला जाऊँगा, बोले कहाँ तक जाओगे पैदल, मैं बोला मैं पूरा इमिग्रेशन तक मोरिटानिया की, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर वहाँ तक पैदल ही जाऊँगा, उसके आगे नोदीबू 50-60 किलोमीटर, मैं बोला मैं वहाँ की टैक्सी ले लूँगा आगे की, तो बोले ठीक है हम आपका फिर बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं, मैं बोला कितने पैसे लोगे, बोला 1000 रुपया, इनकी करेंसी है मोरिटानियन उगिया मोरिटानिया की,
और एक मोरिटानियन उगिया में इंडिया के 2.17 रुपए होते हैं। तो ये बेसिकली मेरे से इंडिया के 2700 रुपए मांग रहा था, जबकि जो रेट है वो शेयर टैक्सी मेरे ख्याल 100 या 200 उगिया है इमिग्रेशन से नोदीबू शहर तक। तो ये उसके 5 से 10 गुना रेट मेरे से मांग रहा था। तो मैं बोला ना भाई तू जा, मैं अपने आप पहुँच जाऊँगा, मेरी चिंता ना कर। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, और क्योंकि नदी साउथ में तो मोस्टली लोग रहते भी साउथ की तरफ ज़्यादा, इनकी जो पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पे वेदर थोड़ा सा ठीक है और क्रॉप्स भी सारे वहीं पे उगते हैं। तो सेनेगल रिवर ये शेयर करता है, जो कि सेनेगल की रिवर है, वही इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर है। मोरिटानिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जैसे मैंने बताया है नॉकशॉट, और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है नोदीबू, जिधर मैं जाने लग रहा हूँ। इनका ऑफिशियल रिलीजन है सुन्नी इस्लाम, और ऑलमोस्ट पूरी ही पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम है। थोड़ी मोरिटानिया की हिस्ट्री की बात करें तो मोरिटानिया को पहले ऑक्यूपाई किया था बर्बर्स ने। बर्बर्स यहाँ के नेटिव इंडिजिनस लोग हैं, सहारा के, सारा रेगिस्तान के बर्बर या अमेजिक लोग इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं। अर्ली 3rd century AD में बर्बर्स ने ऑक्यूपाई करा मोरिटानिया वाले इस रीजन को। उसके बाद लेट 7th century में यहाँ पे अरब्स आ गए, और अरब्स यहाँ पे अरब कल्चर लाए, इस्लाम लाए, अरेबिक लैंग्वेज लाए। यहाँ पे हसनिया अरेबिक बोली जाती है, जो कि अरेबिक का एक डायलेक्ट है इस रीजन में। अर्ली 20th century में फिर मोरिटानिया को कॉलोनाइज कर लिया गया था फ्रांस के द्वारा, और मोरिटानिया भी फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का पार्ट था। 1960 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिली फ्रेंच से, और उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी कूप्स या फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती रही है, या तख्तापलट जिसे कह लो होते रहे हैं। और सबसे रिसेंट जो तख्तापलट हुआ था वो 2008 में हुआ था। हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो मोरिटानिया में काफ़ी अबंडेंस है इनकी, जैसे कि पेट्रोलियम और आयरन ओर की, पर हमेशा से ना मोरिटानिया गरीब ही रहा है, और इनकी मोस्टली इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और फिशिंग पे ही। मोरिटानिया ना जो हरमैटन टेरिटरी है, हरमैटन बोलते हैं इनकी सहारा की ड्राई विंड को, इसके बिल्कुल हार्ट में है, और बहुत ही खतरनाक गर्म सूखी रेतीली विंड होती है ये, मतलब जैसे अपने लू होगी ना उसी तरह है, लेकिन काफ़ी खतरनाक है। और ना ज़्यादा देर बाहर रह लो तो नाक में ऐसे खून भी आ जाता है कहते हैं, स्किन पे कट्स लग जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा देर बाहर मत रहो और अपने आप को ढक के रखो। आदमी भी यहाँ पे जो ड्रेस पहनते हैं उसे बोलते हैं दर्रा शायद, या फिर बहु बहु, और औरतें जो पहनती है उसे कहते हैं मेलाफा। अब रास्ता आ गया है कच्चा, आपने देखा होगा इनके कपड़े खुले खुले फोटो में देख पा रहे होगे, ताकि गर्मी और इस हवा से बच सके, बहुत विंडी देश है। अब देखो भाई ये मैं कैसे पार करूं, रोड तो है नहीं, क्या पता कहाँ लैंड माइन हो। वैसे तो मैंने सुना था कि बॉर्डर पे ना मेरे को पैसे एक्सचेंज करने वाले मिल जाएंगे मोरक्को दिरहम से मोरिटानी नुगिया एक्सचेंज कराने के लिए, पर कोई दिखा नहीं मेरे को। आगे मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पास ना 340 मोरक्कन दिरहम है, जो कि अपने इंडिया के 2500 रुपये हो गए, और मोरिटानियन भी 1100-1200 उगिया हो गए। और यहाँ पर इन्होंने चेक पोस्ट सी तो क्या, मतलब एक झंडा लगा रखा है, देखना इसके ऊपर मोरक्को का झंडा हो रही है। हालांकि ये रीजन तो पोलिसारियो कंट्रोल्ड रीजन है, मोरक्को की सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन मोरक्को की आर्मी भी यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ मेरे आगे चक्कर मार चुकी। पता नहीं यार ये एरिया थोड़ा अजीब सा ही है, सही बताओ ना, और इसीलिए मैंने इधर पैदल चलना डिसाइड करा। ये एडवेंचर जो है ना ये अलग ही है, गाड़ी में तो क्या 10 मिनट में टप जाते, अब ये याद रहेगी सारी उम्र। यार मेरी तो चलने की स्पीड काफ़ी तेज़ है, और मुझे चलते हुए 1.25 घंटा हो गया, लेकिन मैं भी अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब 1 घंटे ज़्यादा का सफ़र है ये। और मेरे सारे बाल, फ़ोन, सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में भर चुका, ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे रेगिस्तान में स्विमिंग करके आया हूँ। आगे मेरे को दिख रहे हैं मोरिटानिया के फौजी, तो बॉर्डर पे पहुँचता हूँ, फ़ोन अंदर रखता हूँ। ये गाड़ी वाला पता नहीं क्यों एकदम धीरे कर गया मेरे को, मेरे आगे लगा के। अच्छा इधर से रास्ता है, हाँ उधर तो पत्थर ही पत्थर है। मोरिटानिया में अगर यूँ पता चल गया ना कि मैं यूट्यूबर हूँ, और ऊपर से यूँ पता चल गया इंडिया का यूट्यूबर हूँ, तो भाई मेरे को बिठा लेंगे और उसी टाइम वापस भेज देंगे। क्योंकि भाई ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं यहाँ पे, एक इंडियन यूट्यूबर आया था तो कुछ नहीं यार, ये देश वाले भी थोड़े पागल है, जब तैयार हो ही नहीं टूरिज्म के लिए तो फिर क्यों आने देते हो, क्यों वीज़ा दे रहे हो। चल के पहले देखते हैं वीज़ा देंगे वो तो, मैं तब शिकायत करूँगा ना, अभी तो मैं शिकायत भी नहीं कर सकता, अभी तक दिया नहीं इन्होंने वीज़ा। निकल गया भाई बॉर्डर से, चलो जल्दी आगे। وجهي قلت له كافر لا انا عاقبت له
पिछो बीच गाड़ी रोक के और भाई अपना प्रे करने लग गए। भाई रेगिस्तान की मिट्टी में इतनी गर्मी में धूल उड़ रही है और अब वहीं लेट के बीड़ी पी रहे। आगे भाई होटल साहिल। काफी सही है यार कमरा तो। मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं थी इस देश से जो मैंने इसके हाल देखे एंटर करते हुए। ये एक 3 स्टार होटल है और इधर के सबसे बढ़िया होटल में से एक है नेट पे जैसे मैंने रिव्यूज देखे। कमरा तो काफी सही है भाई उस हिसाब से। दोस्तों अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि बॉर्डर पे आगे मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो दूर से मेरे को चेक पोस्ट दिख रहा था, मैं वहां पे पहुंचा। वहां पे मोरिटानिया की आर्मी थी, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट पे वो मोरक्को की स्टैंप ढूंढ रहे थे लेकिन स्टैंप नहीं मिली बहुत देर तक। बार बार पन्ने पलटते रहे, मुझे भी नहीं दिखने लग रही क्योंकि एक तो स्टैंप बहुत लाइट थी और मेरे पासपोर्ट पे इतनी ज्यादा स्टैंप्स थी, पासपोर्ट भरा हुआ था। मैंने देखा, उनने देखा, फाइनली जाके वो स्टैंप मिली, बहुत लाइट सी थी। उसके बाद उन्हीं में से एक आदमी के साथ उन्होंने मुझे वीजा रूम में भेज दिया जिधर मुझे वीजा ऑन अराइवल मिलने वाला था। सभी लोग आपस में अरेबिक में बात कर रहे थे, हसन या अरेबिक, किसी को इंग्लिश का एक शब्द तक नहीं आता था। बस अल हिंद या हिंदुस्तान बोल पा रहे थे वो या इंडिया, सिर्फ इतनी बात हो पा रही थी। उनमें से एक आदमी जो मुझे वीजा रूम में साथ लेके जाने लग रहा था, उसने मुझसे 55 यूरो मांगे जो कि जायज थे क्योंकि 55 यूरो वीजा ऑन अराइवल की फीस है मोरिटानियन वीजा की। स्टिकर वीजा मिलता है, अराइवल पे भी ले सकते हैं या फिर उनकी किसी भी एम्बेसी से। जब मैं 55 यूरो निकाल के उस आदमी को दे रहा था तो उसने 20 यूरो का एक और नोट देखा मेरे पर्स में और वो बोला कि भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे। मैं बोला किस बात के, बोला नहीं ये मेरे को दे 20 यूरो, मतलब वो रिश्वत मांग रहा था बिना बात के और मैं साफ नाट के कि मैं नहीं दे रहा। पर फिर भी वो मेरे को वीजा वाले कमरे में ले गया। वीजा वाला कमरा बाहर एकदम जैसे आपने देखा गर्मी, सारा रेगिस्तान, एक कमरा था उसका गेट बंद था। गेट खोलते ही अंदर 2 सोफे थे, सोफे पे 2 आदमी सो रहे थे, एक सोफे पे एक आदमी, दूसरे पे दूसरा, और एसी चल रहा था, बिल्कुल चिल्ड कमरा। जाते ही उस आदमी ने उन्हें उठाया और वो 55 यूरो ने दिए और बोला कि इसका वीजा प्रिंट कर दो है जो भी। 2 सोफों के बीच में कंप्यूटर डेस्क भी था, उस कंप्यूटर डेस्क पे वो आदमी बैठे और मुझे भी बिठाया, मेरी फिंगरप्रिंट लिए, 4 उंगलियों की राइट और लेफ्ट और दोनों थंब ली और मेरी फोटो खींची और करीब 5 से 8 मिनट के बीच में मेरा वीजा प्रिंट करके उन्होंने मेरे को दे दिया वो 55 यूरो लेके। उसके बाद उस कमरे से मैं बाहर निकलता हूं और दोबारा 3-4 मिलिट्री ऑफिसर्स मेरे आगे होते हैं, वो बोलते हैं कि विभाग जाओ, मतलब देश में एंटर करने की तरफ। वहां पे 3-4 और मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे थे और वो इंतजार ही कर रहे थे कि भी कोई भी गाड़ी गुजर रही है, जो भी आदमी गुजर रहा है उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तो उन्होंने मेरा वीजा देखा और मजाक बनाने लगे क्योंकि फ्रंट पेज पे मेरी मूंछ वाली फोटो थी पासपोर्ट की और बोले कि भी मूंछ क्यों कटवा दी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल रहा था और इंडिया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वगैरह नाम लेने लगे। तो इतनी देर का उनका कुछ काम नहीं था लेकिन वो बातों में लगाए रखना चाह रहे थे कि भी शायद मैं उन्हें कोई रिश्वत दे दूं, जो मेरे को उनकी इंटेंशन लगी। बार बार वो देख भी रहे थे कि भी कुछ देगा देगा, पर मैंने कुछ भी नहीं दिया उन्हें और थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोले ठीक है जाओ आगे। कुछ ही मीटर आगे चलती एक और मिलिट्री वाला मिला, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, वीजा देखा और आगे जाने दिया। उसके बाद फाइनली एग्जिट करने से पहले एक आदमी आया, उससे मैंने पैसे चेंज कराए मोरक्कन करेंसी, मैंने उसे 340 दिरहम दी और बदले में उसने मुझे 1200 मोरिटानियन उगिया उसने मेरे को दे दिया। कैलकुलेटर पे हमने बात करी, मैं एग्जिट ही करने वाला था लेकिन मैं भूल गया कि भी मैंने स्टैंप तो लगवाई नहीं और एग्जिट गेट पे ही उनकी वही पुलिस भी थी, उन्होंने मेरे को बोला कि भी स्टैंप नहीं लगवाई, स्टैंप लगवा अंदर पुलिस ऑफिस से जाके। तो मैं बोला ठीक है। अब मेरे लेफ्ट साइड में था वो पुलिस ऑफिस, छोटा सा था, वो दिखा भी नहीं और कोई ऐसी ऑफिशियल बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं, चाहे वो पार करके भी निकल जाओ। 2-3 मिलिट्री या पुलिस ऑफिसर बैठे थे, इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, पर फिर भी वो तो मेरे ध्यान में आ गई और उन्होंने नहीं बोल दिया। अब मैं जाता हूँ वापस पीछे लेफ्ट की तरफ पुलिस दफ्तर के अंदर,
वो पुलिस दफ्तर कैसा था मैं आपको क्या बताऊं कि भाई बहुत ही बुरी उसकी हालात। पहले कमरे में ही लेफ्ट में मैं गया जिधर स्टैम्प होनी थी, और जो पुलिस वाले ने मेरे को कहा था अंदर से स्टैम्प मरवाओ, मेरे साथ आ गया पुलिस वाला बोला इसकी जल्दी स्टैम्प मार दो। तो जो भी इमिग्रेशन वाला था बोला पासपोर्ट देखा इंडियन, बोला नहीं इसको अंदर भेजो। अब इसके पीछे कारण आप लोग सोच रहे हो भाई क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इंडियन पासपोर्ट देख के, इन देशों की तो कोई औकात भी नहीं अपने आगे। तो सही में नहीं है इनकी औकात, लेकिन ना बस एक दो यूट्यूबर आए अपने देश के वीडियोज बनाई यहाँ पे, कोई गलत बात नहीं है भाई, यूट्यूबर आए वीडियो तो बनाई गई, क्यों तुम टूरिज्म खोल रहे हो, क्यों तुम लोगों को बुला रहे हो, उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाह रहा। पर उन्हें लगा कि भाई ये भी कोई ऐसा ही आदमी है वीडियो बनाएगा जो भी कुछ, या क्या पता क्या इंटेंशन है, क्योंकि इंडियन कौन आता है इधर अफ्रीका में बाय रोड लैंड से बॉर्डर ऐसे देशों में रेगिस्तानों में कौन क्रॉस करता है। और इस चीज का अंदाजा मुझे उनके रिएक्शन से ही हो गया था, क्योंकि वो ऐसे देख रहे थे इंडियन कोई इंडियन आया है। तो अब उस पुलिस वाले ने मेरी स्टैंप लगाने की बजाय, वीजा मेरे को मिल चुका बस मेरे को स्टैंप लगवा के निकलना था, उसने स्टैंप लगवाने की जगह उसने अरेबिक में कुछ कहा दूसरे पुलिस ऑफिसर को और बोला कि इसे अंदर भेजो इंटेरोगेशन के लिए। दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और मेरे को लेके जाता है अंदर एक कमरे में, उसी जगह में वो जो 30-40 लोग बीच में वहां पे काले है, और अंदर जाके एक कमरा था, उस कमरे में एक आदमी नीचे कारपेट पे सोने लग रहा है, सिगरेट पी रहा है और साथ में ही चाय बनाने की वो है गैस वगैरह स्टोव वगैरह सब है। उस आदमी को एक दो शब्द इंग्लिश के थोड़े बहुत आते थे, उसने पूछा भाई कहाँ से आया है, क्यों आया है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। मैं तब तक खड़ा था, वो कारपेट पे नीचे आराम से लेटा हुआ है, कई देर वो मेरे से सवाल जवाब करे जा रहे, तो मैंने पूछ लिया कैन आई सिट प्लीज, वो बोला हाँ बैठ जाओ। फिर जैसे मैं बैठा तो मेरा हाथ खींचाना, उसकी नज़र मेरी घड़ी पे पड़ी हाथ पे, तो बोला ये क्या, मतलब उसे लग रहा था कि मैं कोई सीक्रेट घड़ी लाया हूँ, स्पाई वॉच है जिससे मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। तो वो मेरी घड़ी देखने लगा, देखा तो घड़ी नॉर्मल घड़ी थी, चल रही थी, लाइट चसा के देखी, टाइम वाइम सब दिखा रहा था। फिर बोला ठीक है, बोला क्या करते हो, मैंने बताया भाई मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है इंडिया में, और यूट्यूब या वीडियो से रिलेटेड मैंने कुछ नहीं बताया। फिर वो आदमी मेरे को बोला भाई तू नोदीबू क्यों जा रहा है, मैं बोला भाई नोदीबू यहाँ से पास पड़ता है और पहले मैं नोदीबू एक दो दिन आराम करूंगा, उसके बाद मैं नॉकशॉट जाऊंगा तुम्हारी कैपिटल। बोला नॉकशॉट क्यों जाएगा, मैं बोला नॉकशॉट में सेनेगल की एम्बेसी है, मेरे को सेनेगल का वीजा लेना है क्योंकि अगली कंट्री मेरी सेनेगल होगी। बोला कि तू सेनेगल का वीजा मोरक्को से क्यों नहीं लेके आया, मैं बोला सेनेगल की एम्बेसी रबात में और मैं मोरक्को में मराकेश में था, और मराकेश के बाद लायून दखला और नीचे के नीचे आ गया साउथ में, मोरक्को के नॉर्थ में तो गए नहीं जिधर रबात है जो उनकी एम्बेसी जाऊँ स्पेशली, जब रास्ते में मेरे नॉकशॉट पड़ रहा है। बोला कि भी नहीं मेरे को अच्छा नहीं रहा, तू किस लिए आया है, क्या करने आया है। बोला होटल बुकिंग है, मैं बोला हाँ है, तो मैंने नोदी बुक की, उसको होटल बुकिंग दिखाई एक रात की मैंने करा रखी थी जिस होटल में अभी मैं हूँ इसी होटल की। तो बोला कि भाई 2 दिन क्यों रुकेगा तू यहाँ पे, मैंने शुरू में उसे कहा था मैं शायद 2 दिन रुकूँ, होटल बुकिंग मेरी एक ही रात की थी। मैं बोला भाई पता नहीं एक दिन भी रुक जाऊँ 2 दिन भी रुक जाऊँ देखूंगा भाई कैसा लगता है मेरे को शहर और ये वो। बोला क्या है उधर ऐसा जो इधर जो तू 2 दिन रुकेगा, हालांकि इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इनकी देश की, और उधर के लिए भी मेरे को बोल रहा है कि तू इधर 2 रातें क्यों रुक रहा है। तो मैं बोला भाई मैं देखूंगा अगर आराम करना हो तो मुझे क्या पता दूसरी रात भी रुक जाऊँ, वरना अभी मेरा एक ही रात का प्लान है। ये सारी बातचीत हुई 20-30 मिनट मेरी इंटेरोगेशन करी उस आदमी ने, और मतलब बहुत ही ऐसे जिस तरह सरकारी दफ्तरों के आदमी नहीं होते भाई काम करके राजी नहीं है और अगले को परेशान करो, वो उस आदमी का एटीट्यूड था बिल्कुल ही, उससे भी बदतर बिल्कुल। फिर वापिस आए स्टार्टिंग पॉइंट पर, राइट में जो दफ्तर था उसमें लेके गया, उसमें एक फोटोकॉपी मशीन थी, मेरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी निकाली और उस पर सारी डिटेल लिखी उसने कि भी ऐसे ऐसे ये चला है वहां से इस होटल में रुकेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा वो लिखा, A to Z मेरी जो जो डिटेल वो मेरे से ले पाया वो उस कॉपी पे लिख ली और मेरे से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली। सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा था, उसने मेरा पासपोर्ट मांगा, मैं उसे अपना पासपोर्ट देने लगा, इतने में बोला कि रुक जा मैं अपने आप दे दूंगा देना हो तो, मतलब ऐसा एटीट्यूड था उसका बिल्कुल ही कि वो चाहता ही नहीं। मैं बस इंतजार कर रहा था उस पॉइंट तक कि भी थोड़ा बहुत हो रही है मेरे से फालतू के सवाल जवाब करे, मेरे को बुरा ट्रीट करे, मैं उसी टाइम कह दूंगा अभी मेरे को नहीं घुसना तुम्हारे देश, मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चल गया हूं, मैं पैदल चल के वापस चला दूंगा मोरक्को, ठीक है मोरक्को का ही वीजा नहीं है, मैं बीच में सो दूंगा कुछ भी करूंगा, लेकिन इस एटीट्यूड से तुम्हारे देश में एंट्री मैं नहीं लेने वाला, जो भी होगा देखी जाएगी। लेकिन चलो फाइनली उसने वो कागज प्रिंट करा, मेरी पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेके फिर वो जो लेफ्ट में दफ्तर था उस दफ्तर में जाकर उसने मेरा पासपोर्ट दिया, मेरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी दी और जिस पे वो सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि भाई इस होटल में रुकेगा, इतनी रात ही, इसका व्हाट्सएप नंबर है, इधर से चला इधर जाएगा, और बोला कि भाई तेरी टैक्सी कहाँ है, कौन सी टैक्सी में आया, मैं बोला मैं तो पैदल चल गया हूँ, बोला पैदल कैसे आ गया, आगे कैसे जाएगा, मैं बोला कि टैक्सी लूँगा, बोला हमें क्या पता तू आगे जाएगा या नहीं जाएगा, टैक्सी लेगा या नहीं लेगा, और तू पैदल क्यों आया, तू टैक्सी लेके क्यों नहीं आया, मैं बोला भाई मेरी मर्जी मैं पैदल हूँ चाहे टैक्सी में हूँ, मैं तो आपके देश में पहुंच गया, आपको उससे क्या मतलब है कि मैं पहले कैसे आया हूँ आपके देश में, लीगली मैं आपकी बॉर्डर सेंटर ले रहा हूँ वीजा के साथ, वैलिड वीजा जो मैंने अभी लिया है।
फिर भाई लेफ्ट में जो दफ्तर था उस दफ्तर में भी वही दो कर्मचारी थे डीले से सरकारी, वो भी अच्छा इंडिया अमिताभ बच्चन, यूं कई देर टरकाए गए और फिर उन्होंने वो कागज सा देखा, लेकिन उस कागज पे उसने ये भी लिख रखा था कि इसके टैक्सी नंबर की बिना इसे जाने नहीं देना। तो बोले कि हम तेरा पासपोर्ट स्टैंप नहीं कर सकते जब तक तू हमें अपना टैक्सी नंबर नहीं बताया। मैं बोला टैक्सी तो मैंने अभी कराई ही नहीं। तो बोले तू जाके पहले टैक्सी करा, उस टैक्सी वाले का नंबर हमें बता, वो हम अपने पास लिखेंगे, तब तू जा सकता है बाहर। मैं बोला ये क्या चीज़ है, चलो भाई कोई नहीं। और ये बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, उन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, मुझे अरेबिक नहीं आती ना फ्रेंच आती। तो मैं बाहर निकलता हूँ, अब बाहर निकल के एग्जिट पे टैक्सी लेने के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा बॉर्डर कंट्रोल से, और बॉर्डर कंट्रोल पे तीन चार वही उनके पुलिस वाले बैठे, बोले कि भाई बाहर कैसे जाओगे, पहले पासपोर्ट की एग्जिट स्टैंप दिखाओ। बोला पासपोर्ट तो मेरा है ही नहीं अंदर है। तो बोले बाहर तो ऐसे नहीं जा सकते। मैं बोला वो मेरा टैक्सी नंबर मांग रहे हैं, मैं बिना टैक्सी के पासपोर्ट नहीं ला सकता। तो ऐसी सिचुएशन होगी, और ये सिचुएशन मुझे उन्हें समझाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगी, और उन्हें समझने में बात करने में। अब वो क्या बोलते हैं कि भी ठीक है टैक्सी तेरी करा देंगे, 2000 उगिया लगेंगे, जबकि रेट है वहां से शहर तक आने का 100 उगिया, यानी कि 20 गुना पैसे उन्होंने मेरे से मांगे। अब वो रिश्वत थे या जो भी थे आप लगा लो। फिर मैं बोला ना ना छोड़ो मेरे को नहीं जाना, क्योंकि भाई देखो फालतू के 2000 उगिया कितने हो गए इंडिया के, वे लगभग 5000 रुपए के करीब। अब 5000 रुपए ऐसे तो है नहीं कि मैं मर जाता 5000 रुपए में, देने को मैं दे भी देता, पर 5000 पहली चीज तो बहुत बड़ी रकम है, दूसरी चीज कोई हमें पागल क्यों बनाने लग रहा है भाई, हम पागल बनने थोड़ी आए किसी देश में, जहां जरूरत हो जायज चीज हो उस चीज के पैसे दे दो, ऊपर से टिप भी दे दो, लेकिन पागल थोड़ी बनना है, यूं थोड़ी है कि भी कोई भी हमें लूट लेगा। मैं बोला भाई मैं नहीं दे रहा। फिर वो बोला कि 5000 रुपया लगेंगे। मैं बोला मैं दे ही नहीं रहा, कर लो जो करना है, ठीक है रख लो मेरा पासपोर्ट, मैं नहीं जा रहा। वो एंड में परेशान हो गए, तो एक दो आदमी है उन्होंने मेरी मदद करी, टैक्सी वाला ही था एक आदमी, भला आदमी था वो, उसको एक दो लाइन इंग्लिश की भी आती थी, किसी तरह उसने उन्हें समझाया, मुझे समझाया, किसी तरह से उसने मनाया उनको पुलिस वालों को कि भी एक सेकंड इसकी मैं टैक्सी करा देता हूँ। फिर मेरी टैक्सी हुई, वो भी 100 उगिया की जगह 200 उगिया में हुई, वो भी शुरू में 1000-2000 बोल रहे थे। मैं बोला एक रेट मुझे पता है और इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, 200 में, लेकिन वो मान गए। फिर वो टैक्सी वाला मेरे साथ है, उस टैक्सी की मैंने फोटो खींची नंबर प्लेट की, अंदर आके नंबर प्लेट दिखाई, वो टैक्सी वाला दिखाई कि भाई ये आदमी मेरे को इस होटल में लेके जाएगा। तब उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मारी, मेरा पासपोर्ट पकड़ाया, और फिर उस टैक्सी वाले के साथ बैठ के, शेयर्ड टैक्सी थी वो एक, और टैक्सी से लेके नोदीबू शहर तक का सफर 1 घंटे का था, वो सफर उस टैक्सी में करा दोबारा सारा रेगिस्तान के बीचों बीच। पीछे मेरे एक लेडी बैठी थी और एक आदमी बैठे थे जो टैक्सी चला रहा था, वो आदमी काफी हेल्पफुल था। हालांकि जो टैक्सी की खिड़की भी थी ना, वो भी मतलब टूटी हुई थी, वो खिड़की ऊपर चढ़ाने वाला एक ही था, कोई भी शीशा नीचे ऊपर करना है तो बारी बारी निकाल के उसे देता था, उसमें फिट करो फिर घुमाओ, तो एक ही वो था। तो हालात दिख रहे थे सर रास्ते की भी बहुत गरीब हालात है इस देश के, पुलिस ऑफिसर्स मेरे को सारे करप्ट लग रहे थे सही बताऊं तो, और मतलब घुसते ही पहले इंप्रेशन बिल्कुल भी मेरे को अच्छे नहीं लगे इस देश में, गरीबी बहुत ज्यादा दिख रही है। चलो गरीबी है कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो अच्छे, मतलब कोई आपके देश में है इतनी दूर से उसको यूं तो फील कराओ भी ठीक है तू गेस्ट है, मतलब यूं लग रहा है कि भी क्यों आ गया ये हमारे देश में, ऐसा फील हो रहा था लोगों से डील करते हुए बात करते हुए, जो भी ना जबान आती, चलो कोई नहीं जबान तो मुझे भी उनकी नहीं आती, पर एटीट्यूड जो था वो बहुत बेकार था। वो टैक्सी वाला इंसान फिर भी ठीक था वो। अब इधर वीडियो बनाने की बहुत ज्यादा समस्या है, मैं कोई भी चीज की ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, अगर मैं एक चीज भी रिकॉर्ड करता तो मेरे को उसी टाइम ही निकाल देते, तपती धूप में शाम के 5:30-6 बजे भी इतनी तिखी धूप थी, वो सफर करके हम आए, रास्ते में पुलिस के 3 चेक पॉइंट आए लगभग, जैसे ही मैंने फोन निकाला वीडियो बनाने के लिए मेरे को पता नहीं था कुछ ही मीटर बाद चेक पॉइंट है, वो ड्राइवर ने मेरा फोन पकड़ के बिल्कुल नीचे मारा कि बिना वीडियो मत बना। तो एक आधी बार वो खुद भी बोल रहा था ये देख इसकी वीडियो बना ले, उसे उन्हें बताता कि मैं यूट्यूबर हूँ या कुछ हूँ, उसे लग रहा था मैं टूरिस्ट और मैं नज़ारों की वीडियो बना रहा हूँ। तो एक आधा कोई उसको नज़ारा अच्छा लगता तो बार बार कहता कि भी इसकी बना ले, रेगिस्तान में खैर क्या तो नज़ारे होने थे। पर जिस जैसे तैसे टैक्सी का सफर करा 1 घंटे का, रास्ते में वो रुके प्रेयर करने के लिए, उनका प्रेयर का टाइम हो गया था शायद रेगिस्तान के बीचों बीच मिट्टी में, वो प्रेयर करी, फिर किसी तरह हम शहर में पहुंचे, शहर के बाद इस होटल में आए, होटल में आए तो रिसेप्शन पे कुदरती थोड़ी बहुत इंग्लिश वो बोल रहा था, हालांकि मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे काफ़ी अच्छा होटल कराया था क्योंकि मुझे पता था हालात बुरे होने वाले इस देश के, तो एटलीस्ट एक जगह तो वो हो जिधर मैं आराम से रेस्ट कर सकूँ, डाटा अपलोड कर सकूँ, वाईफाई हो मेरे पास, कि भी मेरे को सिम ना मिल पाए बाई चांस, ना धो ना पाऊँ, कपड़े ना धो पाऊँ, तो एक ऐसी जगह हो जिधर मैं ये आराम ले सकूँ, इसलिए मैंने ये होटल कराया। इसकी कीमत मेरे को पड़ी लगभग 4000 रुपये इंडिया के, 4000 के हिसाब से ठीक है भाई, इस देश में इतनी फैसिलिटी अगर मिल जाती है, एसी मिलने लग रहा है और ये सब चीज़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होटल में भी आया तो रिसेप्शन वाला बोला गिव मी योर पासपोर्ट, जो कि बहुत अनप्रोफेशनल है, पर चलो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती होगी।
क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आमतौर पर जब भी जाओ कोई छोटे छोटा हॉस्टल भी होगा, सस्ते सस्ता होटल भी होगा, वो भी बोलेगा प्लीज सर कैन आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज। पर कोई नहीं, उस चीज की मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस था अभी तक का मैंने आपको बता दिया। ना दो के एक बार के लिए तो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, बाकी पूरे शरीर में यूं लग रहा था, इतनी मिट्टी निकली है और शक्ल भी आप देख सकते हो कैसी होगी पूरा दिन धूप में चल के रेगिस्तान में। पर एनीवेज, आते ही सबसे पहले किसी नए देश में दो तीन काम होते हैं, आते ही सिम कार्ड लो, एटीएम जाओ, करेंसी निकलवाओ, पानी लो, कुछ खाने का लो, वो सारी चीज़ें करनी यहाँ पे बहुत मुश्किल होगी है, क्योंकि कोई इंसान एक तो इंग्लिश नहीं बोलता। रिसेप्शन में जाती मैंने पूछा भाई सिम कार्ड मिल जाएगा यहाँ आसपास, बोले नहीं नहीं उसके लिए तो मार्केट जाना पड़ेगा, वो बहुत दूर है, सिम कार्ड भी इधर बेकार है, बैड। और वाईफाई मिल गया होटल में लेकिन वाईफाई भी कोई खास नहीं चल रहा, और पता नहीं सारी चीज़ जब कैसी होगी। एक तो फ़ोन निकालती कैमरा ऑन करती लोग इतना डर जाते हैं, यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते भाई इस देश में तो। पर अभी चल के छोटी मोटी समस्याएं फिगर आउट करते हैं, कुछ मिलता है तो पानी वानी पियेंगे, कुछ खाएंगे। हालांकि करेंसी है मेरे पास, 1200 रुपया मैंने बॉर्डर पे लिए थे लेकिन 200 रुपया मैंने कार के ड्राइवर को दे दी थी यहाँ तक आने के लिए, 1000 रुपया बचे हैं बस मेरे पास। ये रेस्टोरेंट है, इसके गूगल पे रिव्यूज बढ़िया आ रहे थे लेकिन अरेबिक में नाम है तो मेरे को पता नहीं क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का। मेरे होटल से एक ही मिनट दूर था, बस साथ में ही है, इधर आ गया मैं खाना खाने। गल्लूफा नाम है भाई इसका, रेट 2.17 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। मोस्टली सी फूड है लेकिन 300-350 का, 250-600-700 से कम कोई चीज़ नहीं है, सब सी फूड है मोस्टली। कमाल की बात यह है कि मेन्यू फ्रेंच में नहीं है, स्पेनिश में है। इस बार ने चलो मेरे को समझ तो आ जाएगा, स्पेनिश तो मैं समझ लेता हूँ, फ्रेंच मिलती है बाकी आमतौर पर यहाँ पर हर जगह, फ्रेंच मेरे को आती नहीं ना रहे भी गाती। अर्रोज कॉन पोयो, अर्रोज मतलब चावल, पोयो मतलब चिकन, कॉन मतलब विथ, एंसलाडा डे अर्रोज, राइस सैलेड। इंग्लिश कोई नहीं बोलता था तो ऊपर मैंने स्पेनिश में ऑर्डर दिया, ग्रिल चिकन और मृगुला चावल के साथ आएंगे, पर ये तो साथ में आलू आ गए तले हुए फ्रेंच फ्राइज। सब सही है भाई, मैं बोला कि भी मेरे को चावल ला दो तो इन्होंने फ्राइज कम कर दिए और चावल दे दिए। खाना तो खा लिया, खाना सही था, अभी बताता हूँ कितने पड़ा। अभी इधर सामने एक दुकान पर पानी लेने आ गया मैं, खुली हो बस ये खुली लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, भाई खाना खा के तो मज़ा आ गया, खाना बढ़िया था, खाने की कीमत थी 300 हो गया, पर मैंने ना उसे 20 यूरो का नोट दे दिया ताकि मेरे को बदले में उगिया अभी कुछ वापस मिल जाए और मेरे जो उगिया थोड़े बहुत दार उगिया थे वो वेस्ट ना हो, तो उसने मुझे वापस दिए 500 हो गया। तो हालांकि मेरे को 1-2 यूरो का नुकसान तो हुआ, पर चलो कोई नहीं अब। और उसके बाद भाई सामने मैं इस दुकान पे गया, आपने देखा इधर भाई बाहर ही इतनी गंदी बदबू आने लग रही है, मच्छी की और मांस की अजीब सी, जरूर इधर पता नहीं सी फूड एक्सपोर्ट होता होगा जो भी। दुकान में गया भाई, इतनी गंदगी, मक्खियाँ उड़ रही, ब्रेड रखी खुली, अंडे रखे, सब पे मक्खियाँ उड़ रही है, A to Z इतनी गंदगी, और भाई भयंकर गंदगी। दुकान वाला मतलब ना टेबल पे, दुकान के टेबल पे कच्चा मांस यूँ रख रखा, और कोई आदमी आ रहा यूँ का यूँ कच्चा मांस उसे पकड़ाने लग रहे, चिकन वगैरह इतनी गंदगी, मक्खियाँ बैठी और ऐसे डील कर रहे बिल्कुल ही, और वहीं तो उसने नीचे स्टोव सी रख रखी, साथ साथ दुकान वाला ही पका के भी देने लगा। चलो भाई इससे पहले कोई और मेरे पे आए वीडियो बनाने के लिए जल्दी से चलते हैं होटल में अंदर।